श्रीकाल जी सारियां नूं, मैं जसवीर ते तुसी देख रहे हो अपना फेवरेट चैनल ऑल इन वन सर्विस। अज एक बार फिर तो मैं तुहाडे सामने अपनी नवी वीडियो दे नाल हाजिर हाँ तुहाडे सामने। अज मैं स्पैशली एक वीडियो लैके आई हाँ तुहाडे लई। अगे आपां हमेशा वीडियो देखते हैं कोई फैब्रिक दे रिलेटिड, ज्वेलरी दे रिलेटिड। ये स्पैशल जो वीडियो है वो है अपोक्सी ग्राउंड के रिलेटिड। श्री केमिकल एंड कलर एंड केमिकल वालों ने हमें ये मौका दिया आपको बता सकें कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। ये उनका ब्रांड है फेविफिक्स जो है, जिसमें वो डील करते हैं। ये दो तरह का आपको अपॉक्सी ग्राउंड में मार्केट में मिलता है, 3 पार्ट और 2 पार्ट। इन दोनों का कैसे आप यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट हम लेके चलते हैं पहले 2 पार्ट। इसमें 2 पार्ट में क्या होता है, आपको हाइडेनर और रेडीमेड फिलर, ये दो चीज़ें मिलती हैं जिसको आपने मिक्स करके टाइल्स के लिए रेडी करना है। तो इसकी क्वांटिटी पहले मेन चीज़ होती है, क्वांटिटी। आपको क्वांटिटी नहीं पता चलती कि हमने कितनी क्वांटिटी लेनी है, पाउडर की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए और हाइडेनर की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ, ये 1 किलो की पैकिंग है, तो 1 किलो में 100 ग्राम आपका हाइडेनर आएगा और 900 ग्राम आपका पाउडर आएगा। इट मीन्स आप कभी भी जो भी क्वांटिटी लेंगे उसमें हाइडेनर आपका 10% रहेगा। अगर आपने आधा किलो बनाना है तो उसमें 10% यानी कि 50 ग्राम आपका हाइडेनर आ गया और 450 ग्राम आपका पाउडर आ गया। तो आपको ये पता चल गया कि आपने क्वांटिटी कितनी लेनी है। जितनी भी आपने मेन प्रॉपर क्वांटिटी करनी है उसमें 10% आपने हाइडेनर मिक्स करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको कैसे ये मिक्स होगा। सबसे पहले तो हम इसको मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने ये सारा पाउडर इसमें भी डाला, ये पूरा 1 किलो का जो मिक्सर है, मैं आपको वो बना के दिखाती हूँ। फिलर में 100 ग्राम हम हाइडेनर मिक्स करते हैं। ये 100 ग्राम हाइडेनर मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब इसको 3 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करना है, हिलाना है इसको और अच्छे से 3 से 4 मिनट तक इसको हिलाना है, जब तक ये पूरी तरह पेस्ट ना बन जाए। क्योंकि अगर ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा तो ये टाइलों में मजबूती नहीं पकड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करें ताकि ये एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। जैसे मैं ये आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये जो पेस्ट बन रहा है इसको हम हिला रहे हैं। आपने 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, उसके बाद आपका ये ग्राउंड अपॉक्सी ग्राउंड रेडी हो जाता है टाइलों पे भरने के लिए फिलर में। और इसका प्रयोग आपने 30 से 40 मिनट के बीच बीच में कर देना है। अगर इससे ज़्यादा टाइम रहेगा तो इस ये ख़राब हो जाएगा और ये मजबूती नहीं पकड़ेगा। तो ये हो गया आपका 2 पार्ट अपॉक्सी ग्राउंड। अब हम शुरू करेंगे 3 पार्ट अपॉक्सी ग्राउंड। इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें 3 पार्ट्स आपको मिलेंगे। 2 पार्ट्स हैं जो लिक्विड हैं, ठीक है। इसमें एक हाइडेनर आ गया आपके पास, एक पिक्सल आ गया और एक ये पाउडर आ गया। अब इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें पहले हमने दोनों जो हमारे पास लिक्विड हैं उसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें ये दोनों मिक्स करेंगे हम।
इन दोनों लिक्विड को आपने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। पहले टू पॉइंट हमने टू पार्ट्स में देखा था कि पाउडर साथ ही मिक्स किया था, लेकिन 3 पार्ट्स में पहले आपने सिर्फ 2 लिक्विड हैं उनको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हमने ये रेडीमेड जो फिलर है उसको ऐड ऑन कर देना है। और इसको भी हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से इन दोनों में मिक्स कर लेना है। जब तक ये अच्छे से पेस्ट ना बन जाए तब तक इसको हमने मिक्स करते रहना है। आप टाइम के हिसाब से इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर सकते हो, जब तक ये अच्छे से पूरा पेस्ट ना बन जाए। जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई थी। और अगर आपको कोई इसके लिए ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप श्री कलर एंड केमिकल कुकिंग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने अपनी वीडियो में उनके नंबर आपको फ्लैश किए हुए हैं और आपको पूरी डिटेल बताई हुई है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।